बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज़ अली और आप देख रहे हैं आरएनएन न्यूज़। आरएनएन न्यूज़ ब्यूरो चीफ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा सेठ अब्दुल माजिद टिकट होल्डर हलका 260 पीपी खानपुर रोड एक्सीडेंट में शदीद जख्मी हो गए हैं। दोस्तों से दुआओं की अपील की जाती है। कराची सिक्योरिटी एजेंसी PMSS कोलाची के बेड़े में शमूलियत की तकरीब। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के लिए बनाए गए मैरीटाइम पेट्रोल वेसल PPMS कोलाची को KS&EW पाकिस्तान में तैमीर किया गया, जिसके बेड़े में शमूलियत की बाकायदा तकरीब को कराची में मुनक्किद किया गया। वजीर दिफा जनाब परवेज खटक ने बतौर मेहमान खसूसी तकरीब को इज्जत बख्शी। आला फौजी सिविलियन हुकाम साबिक DGMPSA और अवामी जमहूरिया चीन के कौंसल जनरल ने तकरीब में शिरकत की। PMSS कोलाची बहरी कानून नाफिज करने वाले ऑप्शन के मौसर तरीके से अंजाम देने के लिए जदीद मशीनरी हसब जरूरत आलात और हथियारों से लैस है। रियर एडमिरल मोहम्मद शुएब हिलाल इम्तियाज मिलिट्री डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने अपने खुतबा इस्तकबाल के दौरान इस बात पर रोशनी डाली कि उभरती हुई मैरीटाइम चैलेंजेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़रूरियात और कौमी जिम्मेदारियों के पेश नज़र PMSA की तरफ से तजवीज़ करदा सलाहियत बढ़ाने के मंसूबे को वफाकी हुकूमत की जानिब से मंजूर किया गया था। उन्होंने कहा कि PMSA फ्लेट में जदीद तरीन जहाज़ की शमूलियत एक मुनफरद अहमियत का हामिल वाक़ है, क्योंकि कोलाची पाकिस्तान में तामीर किया जाने वाला सबसे बड़ा PMSA जहाज़ था। जहाज के इजाफे से हमारी खसूसी माशी जोन और सीपेक के तहफ़ के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की सलाहियतों और अज़म को मजीद तकवीत मिलेगी। उन्होंने PMSA के न सिर्फ कौमी दारा इख्तियार और खुद मुख्तियारी को नाफिज करने बल्कि मैरीटाइम जोन में पाकिस्तान के इक्तसादी मुफादात के तहफ़ के अज़म पर भी जोर दिया। बाद अजां रियर एडमिरल अतहर सलीम हिलाल इम्तियाज मिलिट्री MD कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स ने हाजरीन को प्रोजेक्ट के बारे में आगाह किया। वजीर दिफा जनाब परेज खटक ने अपने खिताब में PMSA को जहाज़ की तारीखी शमूलियत और कमीशनिंग पर मुबारकबाद दी। उन्होंने COVID-19 के शदीद नामसादी हालात के बावजूद जहाज की तामीर और शमूलियत के दौरान CSTC MS PMSA और KS&EW की टीमों को जोश जज्बे और लगन को सराहा। उन्होंने जहाज़ की इजाफी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया, खास तौर पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग के डेक, जो न सिर्फ PMSA की रसाई में इजाफा करेगा बल्कि PMSA को तफवीज करदा किरदारों और कामों को मौसर तकमील में भी मदद करेगा। वजीर दिफा ने रोशनी डाली कि COVID-19 के मुश्किल वक्त में इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट की कामयाब तकमील दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात का मुँह सबूत है। उन्होंने न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों बल्कि पाकिस्तान के बहरी इक्तसादी मुफादात के तहफ्फुज के लिए पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के किरदारों को सराहा। बाद अज़ां मेहमान खुसूसी ने जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, जहां उन्हें PMSA के कोलाची के कमांडेंट ऑफिसर ने जहाज के बारे में ब्रीफिंग दी। वजीर दिफा ने जहाज और अमले के मयार और सलाहियतों को सराहा। जाफराबाद RNN न्यूज़ ब्यूरो चीफ नज़ीर डोमकी के मुताबिक पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ज़िला जाफराबाद की जानिब से हेडक्वार्टर शहर डेरा आला यार में पैरा मेडिकल के ज़िले दफ्तर में ज़िले सदर मोहम्मद कासिम जमाली, जनरल सेक्रेटरी मीर हबीबुल्ला अतीरा की निगरानी में मेंबरशिप फार्म का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर पैरा मेडिकल स्टाफ के सैकड़ों मेंबरान ने अपने मेंबरशिप फार्म के लिए इस मौके पर खिताब करते हुए पैरा मेडिकल स्टाफ के जिला सदर मोहम्मद कासिम जमाली और जनरल सेक्रेटरी हबीबुल्ला अतेरा ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद के तीनों तहसीलों ओस्ता मोहम्मद गंदा खा और डेरा अलायार के तमाम पैरा मेडिकल के दोस्तों को आगाह किया जाता है कि वो इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने फार्म वक्त पर जमा कराएं, ताकि आने वाले किसी मौके पर हम अपने दोस्तों को किसी मुश्किल वक्त में काम आ सकें। मेंबरान से गुजारिश है कि वो अपने मेंबरशिप कार्ड जल्द अज जल्द ऑफिस में आकर वसूल करें। इस मौके पर डॉक्टर नसरुल्ला जमाली, डॉक्टर अब्दुल्ला पेचुओ और अब्दुल वहीद जमाली समेत मुतअद्दिद मेंबरान भी मौजूद थे। लाहौर RNN न्यूज़ ब्यूरो चीफ समीउल्ला के मुताबिक मिलावट माफिया शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने लगा। फूड अथॉरिटी का जाली शहद बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 1225 किलो माल तल्फ कर दिया। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली की सरबराही में क्रैकडाउन किया गया। दाता गंज बख्श टाउन में जाली शहद यूनिट बंद करके 800 किलो जाली शहद और 425 किलो खाम माल तल्फ कर दिया। 80 किलो चीनी, 35 किलो ग्लूकोज, 5 किलो फूलों की पत्तियां, 5 किलो केमिकल्स
और रंग बरामद किया गया। गुलाब की पत्तियों में शुगर सिरप केमिकल्स और रंगों की मिलावट में शहद तैयार किया जा रहा था। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली का कहना है कि गैस सिलेंडर पैक मटेरियल और खाली बोतलें भी कब्जे में ले ली गईं। बतौर दवा इस्तेमाल होने वाले शहद में केमिकल्स और मसनूई अज्जा की मिलावट घिनौना फैले। खुराक में मिलावट और जालसाजी के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर आरएनएन न्यूज ब्यूरो चीफ समीउल्लाह के मुताबिक शहर में गाड़ियों की पार्किंग के लिए एरिया कम पड़ गया। 3 साल में एक भी पार्किंग प्लाजा तामीर न हो सका। शहर की ट्रैफिक का निजाम बेहतर बनाने के लिए पार्किंग प्लाजों की तामीर का मंसूबा। बोजदार सरकार 3 साल से जायद दौरे इकतदार में एक भी पार्किंग प्लाजा तामीर न कर सकी। पंजाब हुकूमत ने किसी एक प्लाजे की तामीर के लिए मंजूरी भी ना दी। वजीर आला पंजाब ने शेरांवाला फ्लाई ओवर की तकरीब में पार्किंग प्लाजा बनाने का ऐलान किया था। वजीर आला के अहकामात के बावजूद LDA ने प्लाजा की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार न की। टिपा की 8 पार्किंग प्लाजा की तजवीज को भी पसे पुष्ट डाल दिया गया। शहर में गाड़ियों की पार्किंग के लिए पार्किंग एरियाज कम पड़ गया। ऐवान अदल अनारकली माल रोड और रेलवे स्टेशन पर पार्किंग प्लाजों के मंसूबे फाइलों में बंद कर दिए गए। DG LDA अहमद अजीज तारर का कहना है कि शहर में पार्किंग प्लाजा बनाने का मंसूबा LDA की तरजीहात में शामिल है। वजीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में शेरांवाला पर पार्किंग प्लाजा तामीर करेंगे। LDA का शोबा इंजीनियरिंग पार्किंग प्लाजा की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहा है।